भारतीय पशुधन निगम लिमिटेड BPNL रिक्वायरमेंट 2021। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल यानी एक्स आनी पर्सन और मेरे यूट्यूब चैनल टेकवी अतुल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ वैकेंसी के बारे में जो BPNL भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में निकली हुई हैं। ऑल ओवर इंडिया के लिए, सभी राज्यों के लिए हैं। 10वीं 12वीं डिग्री वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं और टोटल जो पोस्ट हैं वो 1343 पोस्ट हैं। दोस्तों, कोई भी जब YouTube पे कोई भी वीडियो वैकेंसी के रिगार्डिंग जब आती है तो जो भी स्टूडेंट हैं वो बहुत ही खुश होते हैं कि चलो एक और हमें मौका मिलेगा अपने नौकरी पाने के लिए, अपनी वैकेंसी जॉब पाने के लिए। पर उस जब भी वो YouTube पे देखते हैं उस चीज़ को, पर उस चीज़ के बारे में वो पूरी तहकीकात नहीं करते हैं, वो चीज़ सही है या गलत है, वो चीज़ हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और तुरंत ही कुछ ऐसे बच्चे होते हैं तुरंत ही फॉर्म भर देते हैं और उनके जो बड़े मुश्किल से उनके पास पैसे होते हैं उसको गलत जगह वेस्ट कर देते हैं, वो लोग अपने पैसे खराब कर देते हैं। तो इस वैकेंसी आपको भरनी चाहिए नहीं भरनी चाहिए वो मैं आपको क्लियर इसमें बताऊँगा। आप बहुत सारी वीडियो अभी यूट्यूब पर इसके रिगार्डिंग आ रखी हैं। कुछ चैनल उसको इसको इस तरह से दिखाते हैं कि बिल्कुल जो भी बच्चा इसको देखेगा वो तुरंत इसका फॉर्म भर देगा और अपना जो सेंस है उसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेगा। तो इसमें हम चलो दिखाते हैं आपको इसको आपको भरना चाहिए या इसको नहीं भरना चाहिए। इस वैकेंसी के लिए आपको जब आप URL में टाइप करेंगे आप bharatiyapasupalan.com तो आपको यहाँ पर ये पेज खुल के आएगा। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पेज आपके लिए आपको ओपन होगा। यहाँ पे भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की वेबसाइट पे आपको ले जाएगा। लेफ्ट में आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है और लास्ट डे इसकी 30 नवंबर को यहाँ पे दे रखा है। जैसे आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे एक पेज यहाँ पे PDF आपको खुल जाएगा। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड। इसमें क्या क्या चीजें लगी हुई हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे है कि जो भी इससे रिलेटेड यहाँ पे विभिन्न सारी जो विभिन्न पदों पर रोजगार के अवसर, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इनका ये है। और जो भी चयन के पश्चात प्रत्येक उम्मीदवार का 2.5 लाख रुपए का यहाँ पे व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा निःशुल्क किया जाएगा। कुछ इसमें निःशुल्क बातें यहाँ पे की गई हैं फर्स्ट पेज पे, ताकि क्या जो भी इसको फॉर्म भरे उसको देखते उसको अच्छा लगेगा कुछ चीज़ तो हमें यहाँ पे मुफ्त मिल रही है, जो टेंडेंसी हम लोगों की होती है कि ज़्यादा मुफ्त की चीज़ें लेने के लिए। तो आगे जैसे हम इसमें देखेंगे इसका हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर नीचे जाएंगे आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्लिक करें। अगर आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप अप्लाई करने के लिए, और आज से ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करें। तो आप इतना ही देख के इस फॉर्म को न भरें बल्कि आप इसकी अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें, ताकि आपको इसके बिल्कुल एक्सप्लेन में पता चल सके इस वैकेंसी के बारे में। जैसे आप इस पर अधिक जानकारी पर क्लिक करेंगे एक PDF आपको यहाँ पर आप ओपन होगा। यहाँ पर इसमें आप देख रखा है कितनी कितनी वैकेंसी हैं। पहले यहाँ वैकेंसी देख रखते हैं। यहाँ पे योजना संचार अधिकारी है 75 पोस्ट हैं और आपकी जो यहाँ पे मासिक वेतन है वो 25,000 है। योजना प्रसार अधिकारी 375 हैं, 22,000 आपकी जो सैलरी है मंथली। योजना सहायक 1875 पदे हैं और आपके यहाँ पे 2,000 आपकी सैलरी होगी। आपने ये तो इतना ध्यान दिया होगा, पर ये साइड में जो स्टार बना हुआ आपने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो इस ऐसी चीज़ों पे आपने ध्यान देना। आप स्टार का क्या मतलब है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे यहाँ आगे लिखा आपको कि भारत सरकार के नियमानुसार जो आवेदन शुल्क है इनका उस पर 18% GST भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। उसमें क्या, इसके बाद लक्ष्यानुसार कार्य नहीं करने पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि लक्ष्यानुसार कार्य नहीं करने पर मासिक वेतन का भुगतान नियमानुसार आनुपातिक कटौती पर किया जाएगा। इसका मतलब है कि जो आपकी 25,000 22,000 20,000 जो आपकी वैकेंसी यहाँ जो सैलरी यहाँ पे रखी है वो आपको नहीं मिलेगी। अगर आपने जो इनका मंथली जो इनका टारगेट है, इनके जो सामान प्रोडक्ट को
बेचने का या उससे रिलेटेड ऑर्डर लेने का अगर वो नहीं कर पाते तो आपको ये मानसिक इतनी जो सैलरी है वो नहीं मिलेगी, इससे कट के भी मिल सकती है। उन्होंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे कितनी मिलेगी, पर इससे कट के ही मिलेगी। इसका मतलब कि आपका जो मंथली आपका यहाँ पे इनका जो लिमिट है वो आपको आपको इनका ऑर्डर लाना ही पड़ेगा इनके प्रोडक्ट बेचने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं आपको योजना प्रसार अधिकारी के लिए आपको क्या चाहिए। यहाँ पे ग्रेजुएशन आपको यहाँ पे चाहिए। मार्केटिंग क्षेत्र में अनुभव रखने वाले आवेदक को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, मार्केटिंग का अगर आपने नॉलेज है आपको तो उसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी इसमें। नेक्स्ट है योजना प्रसार अधिकारी, इसमें आपको क्या चाहिए, यहाँ 12वीं पास चाहिए इसमें आपको, और मार्केटिंग में डिप्लोमा चाहिए आपको इसमें। तीसरा आपका यहाँ योजना सहायक, इसमें क्या चाहिए आपको, 10वीं पास चाहिए और मार्केटिंग में आपको डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य आपका क्या अच्छा होना चाहिए यहाँ पे, और जो आपका चरित्र है वो क्या होना चाहिए, वो भी आपका यहाँ पे गुड अच्छा उत्तम होना चाहिए। आयु सीमा यहाँ पे दे रखी है योजना प्रसार अधिकारी 25 से 45, योजना प्रसार अधिकारी 21 से 40 और योजना सहायक 21 से यहाँ पे 40, और ये लास्ट डेट इसकी 30 नवंबर को इसकी लास्ट डेट है। अब यहाँ शुल्क की बात हम कर लें, एक तो इनकी इतनी कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, ऊपर से आपको यहाँ पे क्या है जो आवेदन है इसका कोई यहाँ पे कम आवेदन नहीं है, क्योंकि लोगों के पास स्टूडेंट बच्चों के पास इतने पैसे नहीं हो पाते कि वो इतना इतना आवेदन यहाँ पे जमा करें। ये यहाँ पे पेमेंट हमें क्या देंगे कि खुद ही इतने पैसे इनके पास जमा हो जाएंगे, फॉर्म जमा जितने भी लोग इसमें जमा करेंगे इनके पास बहुत सारे खुद ही पैसे हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये क्या है योजना प्रसार अधिकारी सभी वर्गों के लिए, कोई भी हो, इनको गरीब ओबीसी एसटी किसी से इनको मतलब नहीं है, ईएसएम एक्स सर्विसमैन किसी से इनको मतलब नहीं है, सबके लिए क्या किया इन्होंने यहाँ पे जितने भी योजना प्रसार अधिकारी के फॉर्म भरोगे आप लोग 826 है उसमें भी यहाँ पे स्टार लगाया साथ में, योजना प्रसार अधिकारी सभी वर्गों के लिए ये 700 आपका 8 रुपये है और योजना प्रसार के लिए 590 रुपये है, और इसके साथ आपका 18% GST और इसमें जोड़ा जाएगा। और इसने अलग से क्या लिखा है इसमें, निगम निजी क्षेत्र में पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए समान है, किसी प्रकार की छूट नहीं है, कोई भी छूट इसमें नहीं मिलेगी। दूसरा आप यहां पे मेन इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, फॉर्म भरने से पहले आप उसकी जो उसकी क्राइटेरिया है उसको प्लस उसको आप जरूर चेक करें ताकि आपके जो पैसे हैं वो फालतू बर्बाद ना जाए। यहाँ पे आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर योजना प्रसार अधिकारी के लिए आप फॉर्म भरते हो उसके लक्ष्य और कार्य दायित्व उसके क्या हैं। नंबर एक है आपके आपके द्वारा निगम के उत्पाद स्पेशल गोल्ड दूध धारा कैल्शियम सिरप 5 लीटर फीड सप्लीमेंट का प्रत्येक माह कुल कितने 25 लाख, कैसे 25 लाख का ऑर्डर लेना ऑर्डर आना है आपको किसी भी हालत में। अगर आपको अपनी पेमेंट चाहिए तो 25 लाख का हर महीने आपको यहाँ पे योजना संचार अधिकारी के लिए 25 लाख का 25 लाख का आपको ऑर्डर लाना ही पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है यहाँ पे 25 लाख का ऑर्डर लाना है आपके लिए इस पेमेंट के लिए, और वो भी इतनी फीस रखी है उसके लिए इन्होंने। दूसरा क्या है, यह ऑर्डर आप किसी भी मेडिकल स्टोर खाद्य जितने भी इतने प्रोडक्ट इनके हैं उससे किसी से भी आप इनके क्या ला सकते हो ऑर्डर यहाँ पे 25 लाख तक ला सकते हो। आपका कार्य क्षेत्र संपूर्ण जिले स्तर में होगा, आप जिले में कार्य कर लक्ष्य पूरा करेंगे। आपका जो लिमिटेड क्षेत्र होगा आपके ही जो जिले के क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र में होगा, इसका मतलब है कि इनके प्रोडक्ट बेचने और उससे जो भी इंटेंसिव वगैरह मिलेगा उससे ही आपकी सैलरी यहाँ पे डिसाइड होगी मेरे हिसाब से तो यहाँ पे ये है। अधिकारी के लिए क्या है यहाँ पे वो देख लीजिए आप, योजना संचार अधिकारी के अधीन 5 जो है 5 योजना प्रसार अधिकारी होंगे। ठीक है, कर्तव्य ये हो गया आपका, ठीक है, लाभ क्या होंगे आपके ये देख लीजिए, लक्ष्यानुसार आपका मासिक वेतन 25,000 दे होगा एवं प्रतिवर्ष मासिक वेतन में 10% बढ़ोतरी की जाएगी आपकी। ठीक है, की जाएगी की नहीं की जाएगी वो तो बात की बात है, मासिक 10% बढ़ोतरी पहले आपको मासिक वेतन ही टाइम पे दे लें वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लक्ष्यानुसार लक्ष्य जब तक आप लक्ष्य के अनुसार ही आपको 25,000 पेमेंट मिलेगा, नहीं तो मिलेगा भी नहीं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। ठीक है,
आपका योजना प्रसार अधिकारी के लिए कि आपका 5 लाख का ऑर्डर आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। बाकी इसके जो कर्तव्य और ये आप लाभ लोग इसमें दे सकते हो, इसमें 22,000 आपको तभी मिलेगा जब क्या होगा आपका लक्ष्य अनुसार होगा भाई इसमें, ठीक है। तो अब इस बीच का ध्यान रखें आप लोग। योजना सहायक का जो आपका है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख का ऑर्डर आपको लाना ही पड़ेगा किसी हालत में, तब आपको 20,000 पेमेंट यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। बहुत फर्स्ट पेज पे इन्होंने बहुत ऐसे निःशुल्क निःशुल्क चीज़ें बहुत चीज़ें लिखी हैं ताकि स्टूडेंट के अपना फॉर्म ज़्यादा भरें यहाँ पे, और इनकी फीस भी इतनी रखी हुई है, ज़्यादा ज़्यादा पैसे इकट्ठा यहाँ पे कर सकें मेरे हिसाब से। तो ये बाकी मैं ये आपको ये कभी नहीं बोलूँगा कि आप ये फॉर्म नहीं भरें, आप अपने अपने दिमाग का यहाँ पे यूज़ करें। अगर आपको लगता है कि इसकी फ़ीस आप इसकी फ़ीस आप भर सकते हैं, जो आप इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो भर सकते हैं, और आप इन्हें टारगेट जो है इनका वो मंथली आप इसका टारगेट पूरा कर सकते हैं, तभी ये फॉर्म भरें। नहीं तो आप इसके अपने पैसे जो हैं उसको, बड़ी कमाई से पैसे हैं अपने माँ बाप के, आप उसको वेस्ट ना करें। यहाँ पे देख लीजिए, आपके साथ साथ में आपका क्या लिखित परीक्षा होगी, आपकी साक्षात्कार होगा, और तो कुल अंक 100 अंक का होगा यहाँ पे 50-50 मिला के, ठीक है। आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए दोनों को अलग अलग 36 अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। परीक्षा का स्थान, ये बाकी चीज़ें आप देख लीजिए। मेरा मेन मुद्दा इस वीडियो बनाने का ये था कि आप अपने सोच समझ कर ही जब भी कोई वैकेंसी YouTube पे देखें तो देखते ही ऐसे ना करें कि अप्लाई डायरेक्ट उसको ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करें, उसको भर दें और उसकी फ़ीस जमा कर दें, और बाद में आप वो आपको पता ही नहीं है कि उसकी इसके लिए क्या क्राइटेरिया इसका था और कितनी इसकी फ़ीस थी क्या थी, और सीधे उसको फॉर्म भर लें आप, और आपके पैसे ऐसे ही वेस्ट हो जाएं। फिर भी अगर आप ये वैकेंसी भरना चाहें तो इसी वेबसाइट पे आप जाएं और अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करके इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। हम कोई भी ऐसे फालतू वीडियो बनाएंगे नहीं जिससे किसी को भी भ्रमित हो, कोई भी स्टूडेंट वैकेंसी के नाम देखते ही ऐसे भ्रमित हो। हम उसे पहले ही क्लियर कर लेंगे क्या ये भरना चाहिए, क्या ये भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। बाकी तो आप लोग ही डिसाइड कर पाओगे कि इसको आपको भरना है या नहीं है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।